इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। न्यूज बुलेटिन में चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में कल प्रश्न में गलती होने के कारण उसे रद्द कर दिया गया है। आज 16वां सवाल, 10 रुपए के नोट के पीछे कहां की तस्वीर छपी हुई है? ए संसद भवन दिल्ली, बी गोलघर पटना, सी ताजमहल आगरा या डी सूर्य मंदिर कोणार्क। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ज्यादा और अधिक दिन तक सही जवाब देने वाले को जीएस न्यूज की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार, साथ ही हम करेंगे उनके साथ एक इंटरव्यू खास मुलाकात। भागलपुर के आईसीयू में बिजली कटने से वेंटिलेटर हुआ बंद, ऑक्सीजन के अभाव में महिला की गई जान। भागलपुर जिले के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती एक महिला की ऑक्सीजन के अभाव में जान चली गई। इसको लेकर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। हालांकि अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक ने दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर रात भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गायनी आईसीयू में भर्ती एक 55 वर्षीय महिला की जान चली गई। गायनी आईसीयू में भर्ती महिला की सांस वेंटिलेटर के सहारे चल रही थी, इसी दौरान बिजली कट गई और जनरेटर भी काम करना बंद कर दिया। उसी वक्त वेंटिलेटर में लगी बैटरी भी खराब हो गई। ऐसे में वेंटिलेटर ने अपना काम करना बंद कर दिया, जिस कारण महिला की जान चली गई। नवगछिया के बिहपुर में कोशी दिखा रही रौद्र रूप। नवगछिया के बिहपुर स्थित गोविंदपुर गांव में कोसी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जलस्तर में बढ़ोतरी के साथ गांव में कटाव काफी तेज हो गया है। कटाव में गोविंदपुर मध्य विद्यालय का पुराना स्कूल कुछ दिन पहले ही कटाव की भेंट चढ़ गया है। वहीं अब ग्रामीण अपना घर द्वार छोड़कर ऊंचे स्थान के लिए निकल चुके हैं। ग्रामीण का कहना है कि सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा यहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, 2019 से ही गांव कट रहा है। कोरोना संदिग्ध वृद्ध की हुई मौत, सुबह से शाम तक पड़ा रहा शव। गोपालपुर प्रखंड के मकनपुर निवासी कोरोना के संदिग्ध रोगी सरयुग भगत की मौत शनिवार सुबह हो गई। मौत के बाद कोरोना के भय से कोई भी उनके शव में सटने को भी तैयार नहीं हुआ, जिसके कारण सुबह से शाम तक शव को दह संस्कार के लिए गंगा घाट नहीं ले जाया जा सका। देर शाम नौगछिया के समाज सेवियों के पहल पर एक निजी वाहन उपलब्ध कराया गया, फिर अपने पिता के शव को लेकर पुत्र अकेले शव दाह गृह पहुंचा। देर रात शव का दह संस्कार किया गया। जानकारी मिली है कि सरयू प्रसाद वर्षा में भींग गए थे, जिसके बाद उन्हें सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत थी। इस कारण उन्हें 15 जुलाई को नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में जांच के लिए सैंपल लिया गया था। जांच रिपोर्ट अभी तक आई नहीं थी कि शनिवार की सुबह सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने से आसपास के लोगों ने शव में सटने से मना कर दिया। इसके बाद एम्बुलेंस या फिर किसी निजी वाहन से दाह संस्कार के लिए शमशान ले जाने की योजना बनाई गई, लेकिन कोई भी एम्बुलेंस या वाहन शव को लेकर शमशान तक जाने को तैयार नहीं था। मृतक के परिजन मदद के लिए गोपालपुर पीएससी गए तो वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने परिजन को 5 पीपीई किट उपलब्ध करवाया। डॉक्टर कुमार ने परिजन से कहा कि सरकार द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार वे मृतक के दाह संस्कार के लिए 5 किट ही उपलब्ध करा सकते हैं। मृतक के परिजन ने इसके बाद आसपास के 4-5 लोगों को इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन सब को ले जाने के लिए वाहन का इंतजाम नहीं हो रहा था। फिर परिजनों ने नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल से संपर्क किया तो यहां नौगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि नौगछिया अस्पताल से सब को शमशान तक भेजने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके लिए जिला के पदाधिकारी सक्षम है और वही एम्बुलेंस उपलब्ध करा सकते हैं। फिर मृतक के परिजनों ने भागलपुर के सिविल सर्जन से संपर्क साधा और उन्हें पूरी बात बताते हुए एम्बुलेंस देने की गुहार लगाई। सीएस ने भी तय नियम का हवाला देते हुए एम्बुलेंस देने में अक्षमता व्यक्त किया। देर शाम तक परिजन थक हार गए थे। अंततः पूरे मामले की जानकारी नौगछिया विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार भगत और बाबा गणिनाथ सेवा समिति के पंकज कुमार आरती को मिली। दोनों ने मृतक के पुत्र संजीव कुमार भगत से संपर्क साधा और समस्या से अवगत हुए। इसके बाद संजीव को प्रवीण भगत ने अपना निजी वाहन उपलब्ध कराया। वाहन उपलब्ध होने के बाद अब नई समस्या खड़ी हो गई थी कि सबको कोई वाहन में उठाकर रखने को भी तैयार नहीं था। अंततः पास के ही एक व्यक्ति ने सबको वाहन में रखने में मदद की। फिर वाहन चलाते हुए संजीव अपने पिता का शव लेकर अकेले भागलपुर बरारी के विद्युत शवदाह गृह पहुंचा, फिर दाह संस्कार किया। कुणाल के लापता होने के मामले को लेकर बरारी के विधायक से मिले राजद समर्थक।
रंगरा प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर के प्रॉपर्टी डीलर कुणाल आलोक चिंटू उर्फ राजा के पिछले शनिवार से ही लापता है। कुणाल के लापता होने के 8 दिन बीत जाने पर भी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। कुरसेला पुलिस लगातार अनुसंधान करते नजर आ रही है। रंगरा स्थित बुढ़िया काली मंदिर वाले लोकेशन पर भी रंगरा पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। इसी कांड को लेकर राजद की ओर से शनिवार को जिला महासचिव संजय मंडल की अगुवाई में आपदा के जिलाध्यक्ष अशोक यादव, जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा, हिमांशु शेखर झा ने कटिहार के बरारी विधायक नीरज यादव से उनके आवास पर मुलाकात कर कुणाल के लापता कांड में सहयोग करने को कहा। नवगछिया पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को किया बरामद। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा में पुलिस टीम के द्वारा की गई छापेमारी में 469 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ है। बरामद हुए शराब में पुलिस ने 417 बोतल आरएस एवं 52 बोतल इंपेरियल ब्लू एवं 750 ml शराब की बरामदगी की है। शराब की बरामदगी पकड़ा निवासी श्याम नंदन सिंह के आम लीची के बगीचे से हुई है। वही नवगछिया के थाना प्रभारी थानाध्यक्ष हरिशंकर कश्यप ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी पकड़ा गांव में बगीचे में आम की तस्करी की जाती है, जिसको लेकर छापेमारी की गई, जिसमें से शराब की बरामदगी की गई है। अब पैसा नहीं बनेगा, पढ़ाई में बाधा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में ले निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05, 8873-9736-80। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371-1787 7325052437 पर। ओई मार्ट ऑनलाइन मार्केट। नवगछिया में दरोगा सहित 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। नवगछिया में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। शनिवार को नवगछिया में एक साथ 14 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। नवगछिया पुलिस जिला के एक पुलिस पदाधिकारी सहित उनके एक परिजन, एक जल संसाधन विभाग के कर्मी, एक पर्वता थाना क्षेत्र के जमुनिया के भाजपा नेता, एक मिल्की गौशाला, दो बड़ी मकंदपुर, एक नवगछिया गौशाला रोड सहित शहर के लोग शामिल हैं। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी लोगों का सैंपल 15 जुलाई को लिया गया था, जिसमें 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुछ लोगों का रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है। बदनाम हो रहा मुमताज मोहल्ला, मजदूरों को भगा दे रहे सेठ साहूकार। मुमताज मोहल्ला में एक साथ कई लोगों के कोरोना हो जाने की वजह से मोहल्ला पूरी तरह से बदनाम हो गया है। हालांकि मोहल्ले में जो भी संक्रमित मामले आए हैं या तो वे फरार हैं या फिर कोविड सेंटर में हैं। ऐसी स्थिति में इस बदनामी का खामियाजा मुमताज मोहल्ला के गरीब कामगार मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद फिरोज ने बताया कि मोहल्ले के कई ऐसे मजदूर हैं जो नवगछिया आने जाने वाले ट्रक पर माल लोडिंग या अनलोडिंग करते हैं। यहाँ के मजदूर कल जब सेठ साहूकार के यहाँ मजदूरी करने जाते हैं तो उन्हें यह कहकर भगा दिया जाता है कि तुम लोग कोरोना प्रभावित मोहल्ले से आए हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सबको कोरोना हो जाएगा। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने कहा कि पिछले 5 दिनों से 50 से ज्यादा मजदूर पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। पर्वता धार में ग्रामीणों के सहयोग से बना बांध हुआ ध्वस्त। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से तटवर्ती इलाके में बाढ़ संकट मंडराने लगा है। गंगा नदी वर्तमान में खतरे के निशान 31.60 मीटर से महज 48 सेंटीमीटर नीचे 31.12 पर बह रही है। नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण पर्वता धार में ग्रामीणों के सहयोग से बनाया गया बांध शुक्रवार की देर रात ध्वस्त हो गया। ट्रैक्टर के पलटने से ड्राइवर हुआ घायल। गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़ी मकनपुर गांव के समीप शनिवार की शाम को ट्रैक्टर चालक धर्मेंद्र राय ट्रैक्टर को बांध पर चढ़ाने के दौरान ट्रैक्टर के पलटने से पूरी तरह घायल हो गया। ग्रामीणों ने मशक्कत कर बाहर निकालकर इलाज हेतु निजी चिकित्सक के पास भर्ती कराया है। नारायणपुर में पत्रकार के दादा का निधन। नारायणपुर प्रखंड के नगरपारा उत्तर पंचायत निवासी एक हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार के दादा समाजसेवी पवन यादव का गंभीर बीमारी से निधन हो गया। वे 65 वर्ष के थे। पवन यादव गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। इनका इलाज चल रहा था, अचानक बीमारी ज्यादा बढ़ने से उनका निधन हो गया। वे अपने पीछे 5 पुत्र 2 पुत्री सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, फ्लाय, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें।
होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294555586। बैग है लेना तो बैग च्वाइस ही है जाना।